Detecting for face. Detecting for face. Detecting for face. Detecting for face. Face not matched. Try again. Detecting for face. Detecting for face. Face not matched. Try again. Detecting for face. Detecting for face. Face matched. This particular device is password protected. Kindly provide the required password. All my friends, boom, guys, you can literally see हमारा face recognition features कितने अच्छे से work कर रहा है, works very good, okay. तो guys, मैं मेरा पिछला video में actually एक demo video दिया था about face recognition features. तो आज आप लोगों को tutorial video देने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोगों को एक-एक करके मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने features को मेरे जर्विस में डाला, कैसे आप लोग अपना जर्विस में, अपना voice assistant में ये particular features को डाल सकते हो guys. So procedure बताना नहीं सर, या procedure बता देंगे तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से अपना face recognition features को अपना जर्विस में या फिर voice assistant में डाल सकते हो. तो चलो guys, सीखते हैं कुछ नया. तो बेसिकली पहले पासवर्ड देख के थोड़ा क्या बोलता है देख लेते हैं. ओके, पासवर्ड मैच. वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, आई एम जार्विस सर, प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू, द डे इज वेडनेसडे. ओके गाइस, तो हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है. तो आप लोगों को याद होगा कि मेरा पिछला वीडियो में ये जो मेन डॉट पाई वाला जो सीखा था गाइस, यहां पर हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम किए थे, जार्विस वाला प्रोग्राम, बहुत सारा वॉइस असिस्टेंट प्रोग्राम हम लोग विकिपीडिया पर ऑटोमेट किए थे, देन गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, फेसबुक, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, ऐसे करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हर एक म्यूजिक बहुत सारा चीजें किए थे. तो गाइस क्या कर रहे हो, जाओ मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लीज एक्सेस दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, बहुत ही कमाल का प्लेलिस्ट है, तो प्लीज एक्सेस. नाउ गाइस, चलो हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मेक दिस फेस रिकॉग्निशन फीचर्स, हाउ टू इंक्लूड दिस फेस रिकॉग्निशन फीचर्स इन योर वॉइस असिस्टेंट. तो चलो सीखते हैं. तो आप लोगों को इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एंड गाइस आप लोग डेमो वीडियो देखा मैं पहले जो दिया था, तो वहां पर टोनी स्टार्क था, टोनी स्टार्क का पिक्चर को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने टोनी स्टार्क मतलब हमारा आयरन मैन का कोई फेस रिकॉग्निशन डाला ही नहीं था, मैंने मेरा फेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा ऐसा कुछ डाला था. मतलब देखो, ये हमारा जो सिस्टम है ना फेस रिकॉग्निशन फीचर्स, तो ये एक्चुअली वो आदमी का ही फेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा जिस आदमी का फेस यहाँ पर एज अ पासवर्ड डाला रहेगा. तो मैंने मेरा फेस को यहाँ पर डाल दिया था, क्योंकि मेरा फेस को रिकॉग्नाइज करना था, क्योंकि मेरा असिस्टेंट है, मेरा प्रोग्राम है, तो मेरा फेस को तो रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो मेरा पिक्चर मैंने डाला था, तो इसलिए सिर्फ मेरा पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है. तो मेरे अलावा और कोई भी ये सिस्टम को ओपन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फेस डिटेक्ट ही नहीं होगा. तो मतलब समझ रहे हो ना कितना ढांसू एक सिक्योरिटी सिस्टम है. तो आप लोग ये बना ही सकते हो, तो चलो सीखेंगे. तो आप लोग को कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट उसके पहले गाइस आप लोग को कुछ बताना है. देखो मेन डॉट पाई में मैं कुछ चेंजेस किया, आप लोगों को चेंजेस बताया था वो, तो बेसिकली चेंजेस कुछ नहीं किया था, ये आप लोग देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पर इफ नेम ये वाला जो चीज है इसको मैंने हटा के डेफ मतलब एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन टेक टास्क एग्जीक्यूशन, ये फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये पूरा टोटल जो चीज है ना गाइस इसको करो गाइस, ये टोटल जो देखो प्रोग्राम है, ये टोटल प्रोग्राम को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इतना ही करना था, डेफ टास्क एग्जीक्यूशन, ठीक है. आप लोग जानते हो कि कैसे आप लोगों को फंक्शन करना पड़ता है गाइस, नहीं जानते तो क्या कर रहे हो गाइस, पिछला वीडियो देख लो, आप लोगों को पता चलेगा कैसे फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट करना, कैसे फंक्शन बनाना है, ठीक है. तो बेसिकली जो जितना भी कोड है गाइस, ये सब एक फंक्शन बदल गया है जो कि टास्क एग्जीक्यूशन, ठीक है. तो इतना ही किया, देन गाइस हम लोग आएंगे फेस रिकॉग्निशन डॉट पाई, मतलब एक अलग करके पाइथन फाइल बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है. फाइल बनाने के बाद आप लोगों को फेस रिकॉग्निशन, तो आप लोगों को फेस रिकॉग्निशन इसका नाम रखना पड़ेगा, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो अपना हिसाब से, ठीक है. नाउ गाइस, तो चलो फेस रिकॉग्निशन, ओके. तो आप लोगों को कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट फेस रिकॉग्निशन, ये मॉड्यूल है गाइस, नहीं जानते कैसे इंपोर्ट करना है, जाओ गाइस कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, जहां वहां पर पिप इंस्टॉल फेस रिकॉग्निशन सर्च करो, आ जाएगा. आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इंस्टॉल करने में तो प्लीज कमेंट गाइस, कमेंट कर दो, वीडियो आ जाएगा. देन इंपोर्ट CV2, ये हमारा कैमरा के लिए काम आता है, कैमरा को बेसिकली ओपन करने में काम आता है, फ्रंट कैमरा कोई भी कैमरा हो, ठीक है, लैपटॉप का. नाउ इंपोर्ट NumPy, जिसको MP से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, देन इंपोर्ट PyTTSX3 एंड फ्रॉम मेन इंपोर्ट टास्क एग्जीक्यूशन, ये जो मेन है ना, मेन से आप लोग को टास्क एग्जीक्यूशन ये जो फंक्शन है इसको भी इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो हम लोग को चाहिए ना यहाँ पर. तो सीखेंगे चलो, तो हम लोगों को यहाँ पर देखेगा इस आपको स्पीक भी कर रहा है, आपका फेस रिकॉग्निशन करने से पहले ये स्पीक कर रहा है कि डिटेक्टिंग फॉर फेस या फिर फेस डिटेक्टेड, फेस मैच, ऐसा स्पीक कर रहा है, तो दर्शक गाइस आप लोगों को यहाँ पर PyTTSX3 काम में आएगा. तो मैंने एक जो स्पीच रिकॉग्निशन फीचर्स है वो मैं यहाँ पर डाल दिया गाइस, आप लोग नहीं जानते तो जाओ ये वीडियो देख लो कैसे स्पीच रिकॉग्निशन फीचर्स डालना है, आप लोग जानते हो मतलब आप लोग देख लो तो आप लोग जान जाओगे, ठीक है. तो मैंने एक स्पीच रिकॉग्निशन फीचर्स वाला ये चीजें डाल दी है, 3-4 लाइन का कोड है, आप लोग देख लो पिछला वीडियो, ठीक है, इतना नहीं बताऊंगा आप लोगों को. नाउ गाइस यहाँ पर मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है.
वीडियो इक्वल्स टू सी वी टू वीडियो कैप्चर, तो हमारा सी वी टू क्या करता है गाइस, सी वी टू वीडियो कैप्चर करेगा गाइस, कैमरा रिलेटेड कोई भी काम ये सी वी टू मॉड्यूल करता है, हेल्प करता है हम लोगों को। तो वीडियो इक्वल्स टू सी वी टू वीडियो कैप्चर, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वीडियो को कैप्चर करो, जो वीडियो चल रहा है ना आपका स्क्रीन पर उसको कैप्चर करने के लिए बता रहा हूं। वो हो सकता है जीरो, क्योंकि एक दो करके आप लोग नाम रख सकते हो, तो मैं जीरो रखा, ठीक है। नाउ फेस इक्वल्स टू फेस रिकॉग्निशन डॉट लोड इमेज फाइल, गाइस यहां पर देखो फेस इक्वल्स टू फेस रिकॉग्निशन, गाइस आप लोग जो फेस ऑलरेडी ये फाइल फॉर्मेट में डाल के रखा है वो फाइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये जो देखो गाइस यहां पर वन जेपीजी है, जेपीजी गाइस ये मेरा फेस है, तो ये मैं ही हूं गाइस। पिक्चर कैसा है मुझे पता नहीं गाइस, तुरंत खींचा था, तो ये मैं ही हूं, तो मेरा ये वाला फेस यहां पर डाला हुआ है, तो इसको रिकॉग्नाइज करके हमारा सिस्टम ओपन होता है। तो आपको भी अपने हिसाब से एक फेस यहाँ पर गाइस देखो एक ही फोल्डर में डालना है, माई पर्सनल असिस्टेंट फोल्डर में मैंने ये चीज डाला। गाइस आप लोग अलग करके डाल सकते हो, बट गाइस आप लोग को सटीक पाथ देना पड़ेगा, तो आप लोग एक ही फोल्डर में डाल दो तो आपको सही होगा, सुविधा होगा, ठीक है। तो मैं पाथ डाल दिया, एंड गाइस आप लोग ये भी काम कर सकते हो, पाथ नहीं डाल के आप लोग ऐसे वन डॉट जेपीजी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बेसिकली पाथ डाल दिया क्योंकि पाथ डालने पे मुझे सही लगा, क्योंकि बहुत टाइम होता है वन डॉट जेपीजी को रिकॉग्नाइज नहीं पता है, तो मैं पाथ डाल दिया। आप लोग पाथ नहीं कैसे डालते नहीं जानते तो गाइस कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। देखो ऐसे हमारा पाथ भी ओपन हो गया, यहाँ पर देखो गाइस ये जो यहाँ ये जो जहां पर आप लोगों को मिल जाएगा जिस फोल्डर में आप लोग सेव किए वहां पर आप लोग क्लिक करना, आप लोगों को पाथ मिल जाएगा, ठीक है। अपना माउस का राइट क्लिक करना, देंगे इस प्रॉपर्टी में जाओ, आप लोगों को पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर नाउ यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फेस कोडिंग, ओके फेस फेस इनकोडिंग इक्वल्स टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस इनकोडिंग। तो गाइस हमारा फेस को ये मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है, इनकोडिंग कर रहा है, मतलब आपका फेस को स्कैन कर रहा है, इसलिए फेस इनकोडिंग इक्वल्स टू फेस रिकॉग्निशन इनकोडिंग, जो फेस का हमारा नंबर एक दो करके। देखो गाइस हमारा फेस रिकॉग्निशन फीचर्स बहुत अच्छे से वर्क तभी करेगा गाइस जब भी आपका फेस अच्छा होगा, आपका फेस का बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होगा, क्योंकि एक फेस मैं यहाँ पर एक फेस डाला, आप लोग चाहते हो तो बहुत सारा फेस का फीचर डाल सकते हो, क्योंकि आपका फेस है जितना एक्यूरेट जितना डालोगे ज्यादा तो आपका फेस को रिकॉग्नाइज करने का चांस उतना अच्छा रहेगा। तो बेसिकली मेरा एक से ही काम रहा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है, मेरा जो कोड है बहुत अच्छा कोड मैं लिखा, तो इसलिए एक ही फेस से मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली घर नाउ फेस इनकोडिंग लिस्ट एक लिस्ट बनाएगा जो कि फेस इनकोडिंग का है, ठीक है। नाउ गाइस देखो फेस इनकोडिंग आपका स्कैन को फेस इक्वल्स टू ट्रू, एस इक्वल्स टू ट्रू गाइस, इसको एक वेरिएबल करके ले ली, एस इक्वल्स टू ट्रू आपका फेस सही रहा, देन गाइस ये करेगा फेस कोऑर्डिनेट्स, फेस का कोऑर्डिनेट्स निकला गाइस, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है नहीं जानते, जानते हो गाइस क्या होता है कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई एक्सिस गाइस, आपका फेस का जो ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा ना इसके हिसाब से आपका फेस जो आएगा ये फेस का कुछ कोऑर्डिनेट्स होता है जो कि एक्स एंड वाई एक्सिस में निकलेगा, खुद ही निकलेगा आपका एआई खुद ही निकलेगा फेस का कोऑर्डिनेट्स, हमारा प्रोग्राम निकालेगा। निकालने के बाद गाइस ये व्हाइल टू देख लो गाइस, ये व्हाइल टू एक्चुअली एक लूप है गाइस, इसका इस्तेमाल मैंने बहुत बार किया है गाइस, पिछला वीडियो देख लो गाइस आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। एंड गाइस आप लोग बेसिक कोडिंग सीख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाइल टू कैसे काम करता है, आप लोगों को समझा दो गाइस। व्हाइल टू एक्चुअली एक ऐसा लूप है जो कि बार बार रिपीट होता है, सही नहीं होगा तो फिर से रिपीट होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग व्हाइल टू लूप चलाएंगे, देन गाइस क्या करेंगे स्पीक कर पाएंगे पहले कुछ डिटेक्टिंग फॉर फेस, आप लोगों को वीडियो का पहले ही आप लोगों जो मैं चलाया था गाइस आप लोग देखे ये क्या बोल रहा था, डिटेक्टिंग फॉर फेस ऐसे करके बोल रहा था, तो फेस डिटेक्टिंग स्टार्ट कर देगा इसलिए स्पीक भी करेगा, ठीक है। देन फ्रेम इक्वल्स टू वीडियो डॉट रीड, आपका वीडियो एक आया था यहाँ पर एक कॉर्नर में, तो वीडियो स्टार्ट होगा एंड वीडियो को रीड करना स्टार्ट करेगा, वीडियो में क्या है एक्चुअली, कौन है वो बंदा या फिर कौन खड़ा है वीडियो में, ये रीड करेगा। देन रिसाइज फ्रेम इक्वल्स टू सी वी टू रिसाइज फ्रेम गाइस, फ्रेम का मैंने साइज यहाँ पर कुछ दिया था जो कि है एफ एक्स 0.25 एफ वाई 0.25 गाइस, आप लोग देखे एक बॉक्स करके जो फाइल यहाँ पर जो वीडियो आया था जहाँ पर मुझे मेरा पिक्चर दिया था, टोनी स्टक का पिक्चर दिख रहा था गाइस, टोनी स्टक को रिकॉग्नाइज नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो वाला पिक्चर तो उसका साइज था ये, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0.25 0.2 y, ओके। नाउ गाइस ये रिसाइज ऐसे रिसाइज होगा, ठीक है। देन रिसाइज फ्रेम आरजीबी गाइस, ये बहुत ही मेन चीज है रिसाइज फ्रेम। तो गाइस देखो आरजीबी क्या होता है गाइस, आपका जो भी पिक्चर होता है गाइस ये मेरा पिक्चर है, तो ये एक्चुअली क्या है एक कलरफुल पिक्चर है, एंड गाइस ये इसको क्या करेगा ये जो आपका जो चीजें देख रहे हो ना गाइस, रिसाइज फ्रेम आरजीबी एक्चुअली बहुत बड़ा चीज है गाइस, रिसाइज फ्रेम देने ये जो चीज देख रहे हो गाइस एक्चुअली एक समझने वाला चीज है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है गाइस, आप लोगों को बाद में एक वीडियो में समझा दूंगा, बट गाइस आप लोग अभी के लिए इसको सिर्फ कॉपी कर लो लिख लो, ठीक है, बाद में आप लोगों को समझा दूंगा कैसे एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये एक्चुअली आपका इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में एंड एसजीपी में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। करने के बाद गाइस क्या करेगा, इफ इज इक्वल्स टू फेस कोऑर्डिनेट्स, फेस का कोऑर्डिनेट्स एंड फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशन, गाइस आपका लोकेशन फेस रिकॉग्निशन जो वीडियो आ रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेट्स का सब कुछ मैच कर गया, तो क्या करेगा फेस इनकोडिंग इसको स्कैन करना स्टार्ट करेगा, मतलब आपका फेस को डिटेक्ट करना स्टार्ट करेगा। देन क्या करेगा रिसाइज जो कि आपका
कन्वर्ट में सब कुछ कर लेगा, ठीक है। देन फॉर फेस इन फेस इनकोडिंग गाइस, फेस इनकोडिंग करने के बाद मैच, जो इफ फेस मैच कर गया, मैच इक्वल्स टू फेस रिकॉग्निशन कंपेयर फेसेस। गाइस देखो, फेस इनकोडिंग लिस्ट में जाएगा, जाने के बाद आपका जो भी फेस आपका डाला हुआ है उस फेस के साथ आपका वीडियो में जो फेस दिख रहा है वो फेस को ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, इसलिए कंपेयर फेसेस। कंपेयर करने के बाद क्या करेगा, फेसेस देखा ना, फेसेस, ठीक है। इफ मैच, आपका फेस मैच कर गया, जीरो में नंबर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रू, मतलब इक्वल्स टू ट्रू, आपका फेस सही तरीके से मैच कर गया, तो गाइस ये क्या करेगा, वीडियो डॉट रिलीज, आपका वीडियो को रिलीज कर देगा, मतलब ये जो वीडियो यहां पर दिख रहा था ना गाइस, ये वीडियो और नहीं रहेगा, कट कर देगा, क्योंकि मैच कर गया ना। देन गाइस क्या करेगा, स्पीक करेगा, फेस मैच्ड गाइस, सीधा सिंपल है, फेस मैच हो गया। देन सीवी डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, गाइस आपका जो भी विंडो था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कंप्यूटर कैमरा वाला विंडो था, ठीक है। देन स्टार्क एग्जीक्यूशन गाइस, ये चीज कहां से आया, तो गाइस ये चीज एक्चुअली यहां से है, मेन डॉट पाई में आप लोग को ये जो टास्क देखना, जितना जो टास्क हम लोग किए थे पिछला वीडियो में, सब ट्यूटोरियल वीडियो में गाइस, ये टास्क एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर आता है, तो बेसिकली ये फंक्शन हम लोग कॉल कर दिए, ठीक है। अभी ये टास्क एग्जीक्यूशन फंक्शन यहां पर आ जाएगा, मतलब काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर पासवर्ड वाला फीचर्स भी अवेलेबल है। गाइस आप लोग नहीं देखे ये पासवर्ड वाला फीचर्स, तो गाइस क्या कर रहे हो, जाओ देख लो, बहुत ही कमाल का फीचर मैं बनाया था, ठीक है, पासवर्ड वाला फीचर का सिस्टम को टोटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना दिया था ना, तो ये फेस रिकॉग्निशन फीचर्स भी आ गया, ठीक है, और क्या चाहिए। तो नाउ ये सब कुछ, मतलब फेस मैच नहीं होता, क्या बोलेगा, स्पीक करेगा फेस नॉट मैच्ड एंड करेगा ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो, ये बोलेगा ना। गाइस फेस को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद ये वेट करेगा, व्हाट एंड की क्या करेगा, आपका जो फ्रेम है ना उसको वेट करवाने के काम आता है। गाइस आपका फ्रेम तो चल रहा था ना गाइस, एक बार बंद नहीं होगा, इसको वेट करवाएगा, फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता तो इसको वेट करवाएगा, ये वाला चीज है, वेट डॉट की, ठीक है, CV2 एंड गाइस देन वीडियो रिलीज डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही करना था गाइस, ये कर लो गाइस, धीरे धीरे समझो गाइस, इतना भी आसान है, जितना आसान समझो गाइस, आप लोगों को हो सकता है बस फेस रिकॉग्निशन मॉड्यूल इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग ट्राई करोगे आप लोग को समझ आएगा क्या प्रॉब्लम आता है, आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जस्ट कमेंट कर दो गाइस, नीचे वीडियो आ जाएगा, नीचे कमेंट कर दो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, सबके रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगा गाइस, वीडियो आ जाएगा टेंशन। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट गाइस, सपोर्ट नहीं करेगा गाइस, प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना गाइस कुछ नहीं होगा गाइस, सो थोड़ा तो सपोर्ट कर दो, थोड़ा तो लव कर दो, क्योंकि आपको ही चाहिए गाइस ये सब चीज, आपके लिए कर रहा होगा, आपको चाहिए भी, ठीक है, तो सपोर्ट करो। एंड गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे फिर से भी, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है, बहुत सारा फीचर्स तो आने ही वाला है, ईमेल वेल आएगा, न्यूज न्यूज, देन गाइस हाउ टू ऑटोमेट, ये सब बहुत सारा चीजें आएगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ऑटोमेट करेंगे, सभी धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रहेगा, फेसबुक का फीचर्स आ गया तो और क्या चाहिए, इसके बाद फिंगरप्रिंट आएगा, ओके, तो सब कुछ आएगा, ओके, टेंशन की बात नहीं है। ना बस चलो ये कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। बेसिकली मैं इसका कोड तो नहीं दूंगा, क्योंकि इतना सारा, इतना छोटा सा कोड तो लिख सकते हो, उतना बड़ा कोड भी नहीं है, मैं तो मानता हूँ ये छोटा ही कोड है, तो आप लोग थोड़ा टाइपिंग कर लो, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाई रहा हूँ सब कुछ, टाइपिंग करोगे तो आपको खुद सीख पाओगे ना गाइस, देखो टाइपिंग करोगे आप सीख पाओगे, कुछ सीखना नहीं चलेगा गाइस, ये सब चीज़ों को खुद से ट्राई करोगे, तो कॉपी करने से अच्छा है कि थोड़ा लिख लो, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो गाइस, कोड चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो गाइस, मैं वहां पर आप लोगों को पर्सनली कोड दे सकता हूँ, ठीक है, सोर्स कोड आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस चलो बहुत सारा बातें हो गया, आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गाइस थैंक यू, टाटा बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।